दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे सिंपल रेसिपी पे। आज हम बनाने जा रहे हैं नई रेसिपी। ये है आटा, प्याज, हरी मिर्च, घी, नमक, पानी। अब इसको अच्छे से हम गूंथ लेंगे आटा। आज हम बनाने जा रहे हैं नई रेसिपी। कई दिनों से मन था, आज हम बनाएंगे कुछ चटपटा रेसिपी। आटा गूंथ चुका है, अब इसमें हम बर्तन लेंगे। यह है चना का दाल, हम पहले से भिगोकर रखे थे, अब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। इसको दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा गीला नहीं करेंगे। दाल पीस चुका है, अब इसको हम अलग निकाल लेंगे। दाल को हमने निकाल लिया है, अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये है गरम मसाला, धनिया, लाल मिर्च, नमक, अपने हिसाब से नमक डालना, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज हम ऐड करेंगे इसमें, तुम्हें खाने में अच्छा स्वाद आए। हरी मिर्च, अब इसको मिक्स करेंगे। दाल मिक्स हो चुका है, अब आटा को छोटी छोटी लोइयां काट ले। आटे को हम छोटी छोटी लोई करके उसको हम पूड़ियों जैसे बेलेंगे। मैंने लोई बना लिया है। अब इसको रोल जैसे इसको हम बनाएंगे। ऐसे ही बना के इसको हम मोड़ देंगे। देखो, बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम रख देंगे, दूसरा बनाएंगे। अब इसको ऐसे ही भरेंगे सब पूड़ियाँ। इसको ऐसे रोल करके इसमें पानी लगाकर ऐसे इसको गोल करेंगे। ऐसे देखिए, वैसे सभी पूड़ियों को ऐसे बना लेंगे। देखिए दोस्तों, सब ऐसे हम बनाकर रख लिए हैं। अब इसको रख लेंगे उबलने के लिए।